मैं पढ़ा रहा हूँ मैथमेटिक्स आपको इस तरह से कि आपका हो जाएगा 12th क्लास पार, और रिजल्ट आएगा इतना झकास कि देख करके हो जाएगा आपके गांव में मार, और आपसे जलने वाले आपको देख करके और आपके रिजल्ट को देख करके हो जाएंगे बीमार। तो चलिए हो जाइए आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ने के लिए तैयार, क्योंकि साल भर के लिए हम ही आपका दोस्त और हम ही आपका यार। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स फंक्शन में देखिए बहुत सारा प्रॉपर्टी है, लेकिन इस सारे प्रॉपर्टी को प्रूफ करने के लिए जो फर्स्ट वीडियो में मैंने आपके लिए फार्मूला लिखा है, उस फार्मूला को कम से कम एक बार देख लीजिएगा। ऐसे तो मैं लिखते ही चलूँगा आपके लिए, लेकिन आप भी एक बार देख लीजिएगा तो आपको ज़्यादा मज़ा आएगा पढ़ने के लिए, और मैथमेटिक्स और गर्लफ्रेंड में ज़्यादा मज़ा आता है सबको, ठीक। और दोनों का हालात एक जैसा है, यदि मैथमेटिक्स में आप मज़ा ले रहे हैं और इसको समय नहीं दे रहे हैं तो ये आपको छोड़ देगा, और गर्लफ्रेंड से यदि आप मज़ा ले रहे हैं और उसको भी समय नहीं दीजिएगा तो वह आपको छोड़ देगी। लेकिन ये उम्र जो है आपका पढ़ने लिखने का है, गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड वाला नहीं है, ठीक। तो अभी आप पढ़ लीजिए, आने वाला समय जो है ऐसा बहुत सारी सुख और सुविधाएं आपको प्रदान करेगी। तो फिलहाल चलिए हम लोग अभी इनवर्स फंक्शन का प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। देखिए पहला प्रॉपर्टी जो है इसका, इसमें 6 गो है। तो देखिए ए नंबर में हम लिख रहे हैं साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर कितना होता है, एक्स होता है। और दूसरा प्रॉपर्टी जो है आपका कोस इनवर्स कोस एक्स बराबर कितना होता है, एक्स होता है। और ये सब प्रॉपर्टी जो है ना, ये सब के पढ़ने से क्वेश्चन जो है चुटकी में बन जाता है, यानी कि क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है। तो चलिए और भी लिखते हैं। देखिए अभी है टैन इनवर्स और टैन एक्स बराबर क्या हो जाएगा, आपका एक्स हो जाएगा। और डी नंबर है कि कोट इनवर्स कोट एक्स बराबर क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। और ई नंबर में आपका सेक इनवर्स और सेक एक्स बराबर क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। और एफ नंबर में आपका है कोशियक इनवर्स कोशियक एक्स इज इक्वल टू कितना होता है, आपका एक्स होता है। तो ई तो हो गया प्रॉपर्टीज, इसमें मैं एक आध दो प्रूफ भी कर देता हूँ ताकि आपको लगे, क्योंकि कभी कभी प्रूफ कर लगे आ जाता है 2 नंबर में, इसलिए अब कौन वाला पूछेगा वो तो हमको भी नहीं मालूम है, लेकिन मैं आपके लिए फिर भी प्रूफ कर दे रहा हूँ। देखिए पहलके के हम प्रूफ कर रहे हैं, पहलका कौन है आपका, नहीं पहलका नहीं प्रूफ करेंगे हम, प्रूफ करेंगे तीसरका प्रूफ करेंगे, एगो दूसरका प्रूफ करेंगे, ठीक ना। तो पहले तीसरका के लेते हैं सी नंबर के टैन इनवर्स वाला के प्रूफ करते हैं, टैन इनवर्स और टैन एक्स बराबर कितना है, आपका एक्स है। तो इसको देखिए हम प्रूफ करने के लिए क्या करते हैं कि इसको मान लेते हैं कि लेट, या सपोज भी कर सकते हैं लेट वाई बराबर क्या, तो टैन एक्स। तो देखिए टैन इधर आएगा आपका, तो इस टैन इधर आ जाएगा तो हो जाएगा आपका टैन इनवर्स वाई बराबर एक्स। अब इसके बाद इसको देखिए क्या कीजिए, यहाँ पे बस हो गया काम, क्या कीजिए ना कि देखिए टैन इन को हम लोग इधर लाए थे, टैन इनवर्स वाई बराबर एक्स, आ क्वेश्चन में देखिए तो कहीं वाई था आपका, कहीं भी वाई नहीं है। तो एकरा में क्या कीजिए कि वाई हम लोग किसको माने हैं, वाई माने हैं टैन एक्स को, तो वाई के जगह पे इसको रख दीजिए टैन एक्स को। तो इसलिए हम लोग क्या कर देंगे कि इसलिए टैन इनवर्स वाई के जगह क्या रख दीजिए आप, टैन एक्स पुट कर दीजिए, तो टैन एक्स बराबर कितना हो गया, एक्स। प्रूफ हो गया कै लाइन में, तो 2 लाइन में या तरीके, तो बड़ा आसान था जी। और नहीं समझे तो एक बार फिर से देख लीजिए, वाई बराबर टैन एक्स, और टैन इधर आएगा तो टैन इनवर्स वाई, तो इधर बचा एक्स। और देखिए वाई किसको माने थे हम लोग, टैन एक्स को, तो यहाँ पर रख दीजिए वाई की जगह पर टैन एक्स, टैन इनवर्स टैन एक्स बराबर एक्स, प्रूफ हो गया। इसी प्रकार से देखिए हम और प्रूफ कर देते हैं, ई वाला जो है ना आपका दूसरा नंबर, उसको ही प्रूफ कर देते हैं। बी नंबर, बी नंबर में आपका है कोस इनवर्स कोस एक्स बराबर कितना होता है, एक्स होता है। तो इसको प्रूफ किया जाए तो वही हम लोग लेट कर लेते हैं, लेट वाई बराबर कितना, तो कोस एक्स। तो
कोस आपका इधर आ जाएगा, तो कोस आएगा तो हो जाएगा कोस इनवर्स वाई बराबर कितना एक्स। तो इसमें वाई की जगह पर हम लोग क्या पुट कर देंगे, तो वाई की जगह पुट कर देंगे कोस एक्स। तो पुट कर दीजिए कोस इनवर्स कोस एक्स बराबर में कितना एक्स, ये भी प्रूव्ड हो गया है ना, बहुत आसान है, सीख करके मज़ा आ रहा होगा ठीक ना, हमको भी मज़ा आ रहा है पढ़ा करके। चलिए अगला प्रॉपर्टी अगर देखते हैं, बहुत सारा प्रॉपर्टी है, सबको बारी बारी से प्रूव करेंगे, पता नहीं कौन ला एग्जाम में पूछ देवे, कहा नहीं जा सकता, इसलिए पढ़ लेते हैं सबको। तो चलिए इसके बाद देखिए दूसरा नंबर है आपका प्रॉपर्टी, तो अब की है आपका देखिए बाहर में है साइन आ अंदर में है आपका साइन इनवर्स एक्स आ बराबर में होता है एक्स। बी नंबर में क्या है कि कोस और कोस इनवर्स एक्स बराबर एक्स, और सी नंबर में है टैन और टैन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कितना एक्स, और डी नंबर में है कोट और कोट इनवर्स एक्स, कोट इनवर्स एक्स। ए हम पीठ पीछे कोई कुछ नहीं कर रहा है जी, देखिएगा बनाइएगा ठीक ना, पीठ निकले हैं तो एक मतलब ये नहीं कि मोबाइल छोड़ मत दीजिएगा। चलिए ई नंबर में है कि सेक और सेक इनवर्स एक्स बराबर का होगा एक्स, और एफ नंबर में आपका हो जाएगा कोशक आ कोशक इनवर्स एक्स बराबर कितना हो जाएगा एक्स हो गया। तो यह भी देखिए प्रॉपर्टी। अब चलिए इसी में से हम एगो कोई प्रूफ करते हैं, कोई एगो प्रूफ करें कि दो गो प्रूफ करें, तो चलिए एक के वो कर देते हैं, बाकी आप लोग तो खुद ही समझदार हैं, कैसे इतना आप समय दे रहे हैं तो सीख ही रहे होंगे। तो पहल के प्रूफ करते हैं एक में साइन इनवर्स सॉरी साइन साइन इनवर्स एक्स बराबर एक्स वाला। तो देखिए इसमें अन एक मान लीजिए साइन इनवर्स एक्स को, तो ए नंबर ने है जी साइन आ साइन इनवर्स एक्स बराबर कितना है एक्स। तो इसमें हम सपोज कर ले रहे हैं कि लेट वाई बराबर साइन इनवर्स एक्स। तो देखिए साइन आपका आएगा इनवर्स जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा आपका साइन वाई बराबर हो जाएगा एक्स, जब इनवर्स आपका इधर आएगा तो इनवर्स तो ख़त्म हो जाता है साइन वाई बराबर एक्स। अब देखिए वाई हम लोग किसको माने थे, तो वाई माने थे साइन इनवर्स एक्स को, तो वाई के जगह पर उसका मान रख दीजिए साइन तो है ही है, अब वाई के जगह का रख दीजिए साइन इनवर्स एक्स, तो हम लोग रख देंगे यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स, अब बराबर में कितना हो गया एक्स, प्रूफ हो गया है ना, आसान बहुत आसान है, इस प्रकार से प्रूफ हो जाता है। इसके बाद देखिए अगला प्रॉपर्टी देखते हैं, लेकिन इसके पहले हम एक मिटा देते हैं, मिटाना के ना चल गया जी याद तरीके जगह, तो मिल गया मिल गया, हाँ आज तरीके फंक्शन मिटा दिए, घबराइए नहीं, बहुत मज़ेदार चीज़ है इनवर्स। तो चलिए इसके बाद प्रॉपर्टी नंबर तीन देखते हैं, देखिए प्रॉपर्टी नंबर तीन का होता है आपका कि साइन इनवर्स वन बाई एक्स बराबर होता है आपका कोशक इनवर्स एक्स। ये जानते हैं कौन ला फॉर्मूला पर है, जो नहीं होता था कि साइन थीटा बराबर वन बट्टा कोशक थीटा, तो वही वाला पर ये वाला फॉर्मूला आपका है। अच्छा देख लेते हैं इसे किताबों में तो दिल ही होगा, हाँ उका दिल है ठीक है, लिख रहे हैं सब, या दास इतना भी कमज़ोर नहीं हुआ है, अभी जवानी बाकी है। चलिए देखते हैं टैन इनवर्स वन बाई एक्स बराबर का होता है कोट इनवर्स एक्स, और सी नंबर में का लिख देते हैं कि सेक इनवर्स वन बाई एक्स बराबर का हो जाएगा आपका कोस इनवर्स एक्स, और डी नंबर में आपका हो जाएगा ओकर लिख रहे हैं अब कोशक इनवर्स वन बाई एक्स बराबर का हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा, और ई नंबर में लिख देते हैं इसको कि कोट इनवर्स वन बाई एक्स बराबर टैन इनवर्स एक्स, और एफ नंबर में आपका लिख देते हैं कि कोस इनवर्स वन बाई एक्स बराबर ये आपका हो जाएगा सेक इनवर्स एक्स। अब इसमें से किसी एक को हम प्रूफ कर देते हैं, जो आप कहिए
तो मेरे ख्याल से हम आपको प्रूफ कर देते हैं। नंबर वन है, शुरुआत करते हैं। तो देखिए उसमें क्या करते हैं हम लोग, इसी को प्रूफ करना है जी। साइन इनवर्स वन बाई एक्स बराबर कौन सी प्रूफ करना है, कोश्यक एक। तो क्या कीजिए कि इसको आप मान लीजिए, कोश्यक एक्स को हम लोग मान लेते हैं। तो देखते हैं, इसी को प्रूफ करते हैं। कोश्यक किसी को मान सकते हैं आप, जो आपको मानने की इच्छा हो तो मान लेते हैं। देखिए हम साइन इनवर्स वन बाई एक्स बराबर हम मान लेते हैं कोश्यक इनवर्स, फिर गलती हो गया जी, मान ही में या पर देखिए फिर से लिखते हैं वाई बराबर साइन इनवर्स वन बटा एक्स। तो देखिए साइन को आप इधर लाइए तो हो जाएगा आपका साइन वाई बराबर वन बटा एक्स, ठीक। अब देखिए ये हम क्या कर रहे हैं ना कि भेज देते हैं इसको, साइन वाई के फॉर्मूला का हो जाएगा कि वन बटा कोश्यक वाई बराबर वन बटा एक्स। तो तिरछा तिरछी गुना कर देते हैं, क्या हो जाएगा आपका कोश्यक वाई बराबर एक्स। हाँ, हम लोग को देखिए क्या लिखना है, हम लोग के प्रूफ करना है। हाँ तो देखिए क्या कर रहे हैं हम कि इसमें हम कोश्यक को उधर भेज दे रहे हैं, तो y बराबर आपका क्या बचेगा कोश्यक इनवर्स x हो गया ये। और देखिए y हम लोग किसको माने थे, तो y माने थे साइन इनवर्स वन बटा x को माने थे। तो y के जगह पे यहाँ पुट कर दीजिए, y के जगह हम लोग क्या पुट कर देंगे साइन इनवर्स वन बटा x बराबर का है आपका कोश्यक इनवर्स x। यह अभी आपका प्रूफ हो गया। एक बार फिर से समझ लीजिए, y बराबर इतना मान लिए हैं तो साइन इनवर्स इधर आ गया, तो साइन y, और साइन y के फॉर्मूला का होता है वन बटा कोश्यक y। अब कहिएगा कि कैसे होता है सर, तो देखिए यहाँ पर हम आपको बताए थे कि साइन थीटा इंटू कोश्यक थीटा बराबर कितना होता है आपका वन होता है। तो देखिए तो यहाँ पर ही साइन थीटा का फॉर्मूला का होता है वन बटा में कोश्यक थीटा, क्योंकि इसको हम लोग उधर गुना में, इधर गुना में तो उधर भागा में भेज देते हैं, तो ये हो गया वन बटा कोश्यक थीटा। तो साइन थीटा बराबर वन बटा कोश्यक थीटा, तो साइन वाई बराबर क्या होगा वन बटा कोश्यक वाई हो जाएगा। उसके बाद कैंचिया गुना कर देते हैं, कैंचिया गुना मतलब तिरछा तिरछी, तो एक से गुना हो जाएगा इसमें, एक से गुना हो जाएगा वन में, तो इतना बराबर इतना। अब इसको उधर भेजिएगा तो इनवर्स में हो जाएगा। अब वाई हम लोग किसको माने थे साइन इनवर्स वन बटा एक्स को, तो देखिए तो प्रूफ हो गया कि नहीं। इसी प्रकार से आपका छवो प्रूफ हो जाएगा। इसके बाद देखिए हम लोग अगला प्रॉपर्टी देखते हैं। अगला प्रॉपर्टी जो है ना आपका चौथा नंबर, तो चौथा प्रॉपर्टी आपका है इस प्रकार से। चौथा प्रॉपर्टी क्या है कि साइन इनवर्स माइनस एक्स, चौथा के ये है जी, ठीक ना, साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस साइन इनवर्स एक्स। और बी नंबर में आपका क्या हो जाएगा टैन इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस टैन इनवर्स एक्स। अब कहिएगा कि सर कैसे लिख रहे हैं, तो फिलहाल तो अभी मार्कर से लिख रहे हैं, मार्कर से नहीं मतलब कि वो जो फॉर्मूला नहीं था टैन माइनस थीटा बराबर माइनस टैन थीटा, ऐसे नहीं फॉर्मूला को बताया था पिछले वीडियो में, तो वैसे लिख रहे हैं। अब आँखों में चल गया तो कान में कोची तो ओकरे से बुला गया, ठीक ना। तो वो सी नंबर देखिए, सी नंबर में कोची था कि कोश्यक इनवर्स माइनस एक्स बराबर क्या होता है माइनस कोश्यक इनवर्स एक्स। तो देखिए प्रॉपर्टी होगी, आप कहिए सर एक आदमी को प्रूफ कर दीजिए ध्यान से, तो देखिए प्रूफ कर देते हैं। इसमें कौन बड़का बात है, आप ही के डिमांड पर पढ़ा ही रहे हैं तो फिर हम प्रूफ नहीं करेंगे, आपको क्या लगता है कि नहीं प्रूफ करेंगे, हैं लाइकन की डिमांड है प्रूफ कर लेगी, हम कैसे नहीं प्रूफ करेंगे। तो चलिए हाँ देखिए पहल के प्रूफ करते हैं, पहल का में जेकरा प्रूफ कर ही रहता है ना ओकरे मान लेते हैं हम लोग। तो इसमें हम मान लेते हैं, देखिए जो ए नंबर है ना इसको मान लेते हैं हम कि लेट साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर का, देखो फिर वाई छोड़ दिए, लेट वाई बराबर साइन इनवर्स माइनस एक्स, ठीक। तो देखिए साइन इनवर्स आपका इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा साइन
y बराबर हो जाएगा माइनस एक्स। उसके बाद देखिए माइनस को आप इधर ला दीजिए, चाहे ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, माइनस को आप इधर ला दीजिएगा तो क्या हो जाएगा माइनस साइन वाई बराबर कितना हो जाएगा x। ठीक, ये आप समझ रहे हैं यहाँ तक, ये आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो माइनस को हमने इधर ला दिए। अब देखिए वो फार्मूला याद कीजिए, फार्मूला हम लिखाए थे आपको कि साइन माइनस थीटा बराबर फार्मूला होता है माइनस साइन थीटा। तो साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा हो सकता है, तो क्या माइनस साइन थीटा बराबर साइन माइनस थीटा नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि मैथमेटिक्स का कोई भी इक्वेशन जो होता है LHS और RHS बराबर होना चाहिए, तब जाकर समीकरण सही हो सकता है। जब इतना बराबर इतना है तो इतना बराबर भी इतना होगा। तो देखिए तो मेरे पास माइनस साइन वाई है यानी कि माइनस साइन थीटा है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिखेंगे साइन माइनस वाई, इस रूप का है तो इसको इतना नहीं लिख सकते हैं, बराबर में एक्स। तो इसके बाद देखिए माइनस वाई बराबर का हो जाएगा, माइनस वाई बराबर आपका हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स। साइन को उधर भेजेंगे तो साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा माइनस वाई बचेगा, तो माइनस को आप उधर भेज दीजिए तो यहाँ बचेगा आपको वाई, और माइनस को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस साइन इनवर्स एक्स। अब देखिए यहाँ पर कि हम लोग y किसको माने थे, तो हम लोग y माने थे साइन इनवर्स माइनस एक्स को, तो y के जगह पर उसका वैल्यू पुट कर दीजिए, तो पुट करके आंसर आ गया। ठीक ना, y के जगह का हम लोग पुट करेंगे तो साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर में क्या हो गया आपका माइनस साइन इनवर्स एक्स हो गया ना जी, प्रूफ है, कहीं दिक्कत। सबसे पहले इसको हम लोग इधर लाएँ तो हो गया साइन वाई बराबर एक्स, माइनस को इधर लाए, फिर फार्मूला अप्लाई किए, फिर साइन को उधर भेज दिए तो साइन इनवर्स एक्स और माइनस वाई, माइनस को भेज दिए तो माइनस हो गया, वाई के फिर वैल्यू पुट कर दी जो कि माने थे, प्रूफ हो गया। बाकी तीन दो जो है वो ऐसे ही बनेगा। ठीक ना, अब इसके बाद देखिए प्रॉपर्टी नंबर पाँच, देखिए प्रॉपर्टी नंबर पाँच में क्या है आपका कि साइन में नहीं, तीन गो तो लिख दिए हैं, तीन गो के छोड़ ही के बात करना है, और वो केकर के करते हैं जेकर रेंज वह जीरो से अस्सी के बीच में है। ये तीन गो जो था कौन वाला था, तो जेकर रेंज माइनस पाई बाई टू से लेकर पाई बाई टू तक ले था ना, तो ये ओकरे था, आ जेकर रेंज जीरो से लेकर के पाई था यानी कि जीरो से लेकर 180 डिग्री, ओकर देखिए कुछ और फार्मूला होता है। तो कौन कौन है आपका, पहला नंबर तो यही है आपका कि कोस इनवर्स माइनस एक्स, इसका फार्मूला होता है पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स, पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स। अब बी नंबर आपका होता है कि कोट इनवर्स माइनस एक्स बराबर का होता है पाई माइनस आ कोट इनवर्स एक्स। और सी नंबर में क्या होता है कि सेक इनवर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। ये हो गया फार्मूला आपका। अब ई में से भी एगो दूगो तीनगो जयगो आपका डिमांड होगा, हम सब प्रूफ कर देंगे। ठीक ना, तो चलिए इसको भी हम प्रूफ करते हैं। तो प्रूफ क्या करते हैं एक देख लीजिए आप लोग, पहल के शुरुआत करते हैं, पहल का नंबर का सॉल्यूशन करते हैं जी। ठीक ना, कोई छोड़ कर नहीं जाएगा अभी। तब क्या बताते हैं कि जेकरा प्रूफ करना हो तो ओकरे मान लेते हैं, तो हम मान लेते हैं कि लेट y बराबर कोस इनवर्स माइनस एक्स, तो कोस इनवर्स आपका इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा कोस y बराबर माइनस एक्स। अब क्या कीजिए ना कि माइनस को आप e पार्टी लाइए, तो माइनस को लाइएगा तो क्या हो जाएगा माइनस कोस y बराबर एक्स। अब देखिए बालक, हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं कोस सेकेंड क्वाड्रेंट वाला फार्मूला देखिए याद कीजिए, कोस सॉरी कोट लिख दिए जी, कोस पाई माइनस थीटा बराबर का होता है माइनस कोस थीटा होता है। तो कोस पाई माइनस थीटा बराबर जब माइनस कोस थीटा हो सकता है, तो का हम माइनस कोस थीटा बराबर कोस पाई माइनस थीटा लिख सकते हैं? तो बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि जब इतना बराबर इतना हो सकता है तो इतना बराबर भी इतना हो सकता है। देखिए माइनस कोस थीटा बराबर इतना हो सकता है कि नहीं, तो
तो देखिए, तो मेरे पास कौची आया है, मेरे पास माइनस कोस वाई आया है, तो हम क्या करेंगे, इसको लिख देंगे कोस आप पाई या माइनस वाई बराबर कितना एक्स। अब देखिए इसमें कोस को आप उधर भेज दीजिए तो क्या हो जाएगा, पाई माइनस वाई बराबर कोस इनवर्स एक्स हो जाएगा। और उसके बाद देखिए हम क्या कर रहे हैं कि कोस इनवर्स को उठा करके एन लाइए तो ऊ पट्टी प्लस में है तो इधर ला जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका कोस इनवर्स एक्स, माइनस में हो जाएगा इधर का बचा वाई बचा, इसलिए हम लोग वाई बराबर का लिख देंगे, तो वाई बराबर लिख देंगे पाई, एजा नहीं लिख रहे हैं, देखिए एजा लिख रहे हैं ठीक ना। तो इला देखिए समझ गए होंगे यहाँ तक, तो एक बार फिर पूरा बना के समझाएंगे। तो वाई बराबर का हो जाएगा आपका, तो वाई बराबर आपका हो जाएगा पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स। अब देखिए कि वाई हम लोग किसको माने हैं, तो वाई हम लोग माने हैं कोस इनवर्स माइनस एक्स को, तो वाई के जगह आप क्या पुट कीजिए, तो वाई के जगह पुट कीजिए कोस इनवर्स माइनस एक्स। तो यहाँ हम प्रूफ कर दे रहे हैं कोस इनवर्स माइनस एक्स बराबर का हो जाएगा आपका पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स, यही ना प्रूफ करना था, हो गया कि नहीं, बहुत आसान था, लेकिन फिर भी एक बार हम फिर से समझा दे रहे हैं ताकि पूरा डाउटवे क्लियर हो जाए। इसको प्रूफ करना था तो इसको हम मान लिए और कोस इनवर्स को इधर लाए तो कोस वाई बराबर माइनस एक्स, माइनस को इधर लाए तो इतना हो गया। और देखिए होता है ना माइनस कोस थीटा बराबर कोस पाई माइनस थीटा, तो माइनस कोस वाई की जगह का लिख दिए कोस पाई माइनस वाई, हम लोग कोस को उधर भेज दिए तो कोस इनवर्स एक्स। अब इधर कोस इनवर्स प्लस में है तो इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, और वाई को उधर ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, तो वाई बराबर हो जाएगा पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स। और वाई के जगह पर हम लोग किसको रखेंगे, तो जिसको माने थे, तो किसको माने थे कोस इनवर्स माइनस एक्स को माने थे, रख दिए, इसे प्रूफ हो गया। एक वाव प्रूफ कर देते हैं लग ले हाथ है दूसरा नंबर के, दूसरा देखिए दूसरा भी दम वैसे प्रूफ होगा सेम टू सेम बी नंबर, लेट वाई बराबर कोट इनवर्स माइनस एक्स और कोट वाई बराबर आपका हो जाता है माइनस एक्स। अब माइनस को एन ला दीजिए तो माइनस कोट वाई बराबर एक्स। और इसके बाद क्या करेंगे, हम लोग फार्मूला लिख देंगे कोट माइनस वाई बराबर, नहीं कहाँ से, ये तो फार्मूला होता है कोट पाई माइनस थीटा पर होता है, कोट पाई माइनस वाई बराबर कितना एक्स। और इसके बाद हम लोग उसको उधर भेज देंगे कोट के, तो पाई माइनस वाई बराबर का हो जाएगा कोट इनवर्स एक्स हो जाएगा आपका। और उसके बाद इसको इधर लाइए, कोट इनवर्स एक्स को इधर लाएंगे, कोट इनवर्स एक्स बराबर वाई, और वाई बराबर आपका क्या हो जाएगा, तो वाई बराबर आपका हो जाएगा भी रो ने लिखेंगे जी, वाई बराबर आपका हो जाएगा पाई माइनस कोट इनवर्स एक्स, वाई बराबर पाई माइनस कोट इनवर्स एक्स। और वाई के जगह पर उसका मान रख दीजिए, तो क्या रखिए, तो यही वाला जो माने थे हम लोग, रख देंगे इसके जगह पर कोट इनवर्स माइनस एक्स बराबर का हो जाएगा आपका पाई माइनस कोट इनवर्स एक्स। तो हो गया, ये भी प्रूफ हो गया आपका, देख लीजिए इसको भी। तो चलिए इसके बाद हम लोग अगला प्रॉपर्टी देखेंगे, अगला प्रॉपर्टी इसका जो है ना, हाँ मिल गया प्रॉपर्टियाँ सब, तो अगला प्रॉपर्टी देखिए इसका है छठा नंबर। तो छठा नंबर प्रॉपर्टी जो इसका है, तो उस पर एक बार या दो बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया था, शायद एक बार या दो बार आया था एग्जाम में प्रूफ करने के लिए, कोई सोचा भी नहीं था कि इस प्रकार के प्रॉपर्टी जो प्रूफ करने के लिए पूछेगा, लेकिन अब जो है इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछता है आसान आसान, क्योंकि एग्जाम अब बहुत हल्का होता है आपका, और हल्के में जानते हैं ना तहलका मचता है, तहलका में तहलका मचाने के लिए आपको बढ़ा रहे हैं ठीक ना, 2023 में तहलका मचाना है रिजल्ट में। तो चलिए देखते हैं एक प्रॉपर्टिया का है आपका साइन इनवर्स एक्स आ प्लस कोस इनवर्स एक्स बराबर का होता है पाई बटा टू, मतलब 90 डिग्री। और दूसरा आपका होता है कि टैन इनवर्स एक्स आ प्लस कोट इनवर्स
एक्स बराबर का होता है पाई बटा टू, और तीसरा जो आपका होता है सेक इनवर्स एक्स प्लस कोशियक इनवर्स एक्स बराबर कितना होता है पाई बटा टू। तो इसमें से किसी एक को हम प्रूफ कर रहे हैं और बाकी दो को आप प्रूफ कर लीजिएगा, क्योंकि सब एक ही प्रकार से बनता है और मैथमेटिक्स में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है रिवीजन। यदि आप रिवीजन नहीं कीजिएगा तो आपका जो डिवीजन लाना चाहते हैं वो छूट जाएगा। तो डिवीजन अच्छा लाना चाहते हैं तो क्या कीजिए, रिवीजन कीजिए। तो चलिए पहला नंबर को हम प्रूफ करते हैं। पहला नंबर जो है साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई टू। तो इसको प्रूफ करने के लिए आप किसी एक को क्या कर लीजिए कि मान लीजिए इसमें से दोनों में से किसी को भी हम मान सकते हैं, साइन इनवर्स एक्स को भी मान सकते हैं, कोस इनवर्स एक्स को भी मान सकते हैं। तो चलिए हम मान लेते हैं कोस इनवर्स एक्स को मानते हैं, क्योंकि आप सोच रहे होंगे कि सर कोसे ला तो नहीं मानिए था। तो चलिए मान लेते हैं, मान लेते हैं कि वाई बराबर लेट वाई बराबर कोस इनवर्स एक्स। अब कोस को इधर लाइए, तो कोस को इधर लाएंगे तो हो जाएगा कोस वाई बराबर एक्स हो जाएगा। आ हमको देखिए लाना है साइन, मेरे पास तो कोस है लेकिन एक में साइन नहीं है। तो देखिए वो फार्मूला याद कीजिए, फार्मूला क्या याद कीजिए, तो हम आपको एक फार्मूला बताए थे। फार्मूला देखिए होता है साइन पाई बाई टू माइनस थीटा बराबर होता है कोस थीटा, होता ना जी, साइन पाई बाई टू माइनस थीटा बराबर कोस थीटा। तो एक देखिए उल्टा लिखिए आप लोग, कोस थीटा बराबर क्या हो जाएगा तो साइन पाई बाई टू माइनस थीटा, हो सकता है कि नहीं। जब साइन पाई बाई टू माइनस थीटा बराबर कोस थीटा हो सकता है तो उल्टा नहीं लिख सकते हैं कि कोस थीटा बराबर साइन पाई बाई टू माइनस थीटा, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो देखिए मेरे पास कोस वाई है तो कोस वाई की जगह हम क्या लिखेंगे, तो कोस वाई की जगह हम लिखेंगे साइन अ पाई बाई टू आ माइनस वाई, क्योंकि मेरे पास थीटा नहीं वाई है, अब बराबर में कितना है आपका एक्स है, ठीक। तो साइन पाई बाई टू माइनस वाई बराबर एक्स। तो इसमें क्या करेंगे कि पाई बाई टू आ माइनस वाई इसको हम उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्या कीजिए कि वाई को आप उधर भेज दीजिए तो यहाँ पर बचेगा आपका पाई बटा टू आप बराबर साइन इनवर्स एक्स आप प्लस वाई। अब देखिए इसको सजा के हम लिख रहे हैं कि साइन इनवर्स एक्स आप प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा पाई बटा टू। आ देखिए वाई हम लोग किसको माने थे, तो वाई माने थे कोस इनवर्स एक्स को माने थे, तो कोस इनवर्स एक्स के जगह सॉरी वाई की जगह क्या रख दीजिए कोस इनवर्स एक्स, तो हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स आप प्लस कोस इनवर्स एक्स बराबर कितना पाई बटा टू। आ यही देखिए हमको प्रूफ करना था, तो हो गया ना आपका प्रूफ डे, तो ये आपका प्रूफ हो गया ये वाला। और देखिए इसी प्रकार से यहू दोनों आपका प्रूफ हो जाएगा, तो इसको भी आप प्रूफ कर लीजिएगा। तो इस और भी इसमें प्रॉपर्टी है प्रूफ करने के लिए, यदि आप लोग का डिमांड रहा कि सर प्रॉपर्टी प्रूफ कीजिए तो हम पूरा प्रॉपर्टी प्रूफ कर देंगे, क्योंकि एग्जाम में प्रॉपर्टी से भी आजकल पूछ रहा है प्रूफ करने के लिए। तो इसी के साथ जय हिंद जय भारत दोस्तों।